सो गाइज वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया असम। गए गाँव सीधा भूटान के लिए आपको इधर मुड़ना है, बस थोड़ा दूर जाके भूटान है। मोतिहारी जिला के है भैया। अब मोतिहारी से यहाँ आ गए हो, वहाँ पेट्रोल पंप नहीं है क्या? हर जगह के टोटो वाले एक जैसे होते हैं, हर जगह के। वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ नॉर्थ ईस्ट राइड। जैसे कि आप देखे थे नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग का बाइक पूरी रेडी है और बस 5 मिनट में वी आर अबाउट टू लीव। सो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट आप गोप्रो पे। So guys, we are all set to leave for the northeast ride, अरुणाचल प्रदेश। So नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट है आपका, लेकिन इस बार हम लोग स्पेशली अरुणाचल कर रहे हैं, तवांग। बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। एक्चुअली यही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है लोगों का कि लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इग्नोर करे हुए हैं। कोई सीरियसली लिया हुआ ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, ना हमारी गवर्नमेंट ना हम लोग। तो ये जो आपको लेफ्ट कट मिला है, ये हमें कनेक्ट करेगा इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। असम मेघालय जाने का यही एक रास्ता है। ये गुवाहाटी अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी 459 किलोमीटर। सो ये रोड अगर आप पकड़ लीजिएगा तो आप सीधे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाइएगा। एक यही एक रोड है इंडिया का जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। तो जलपाईगुड़ी जाने के लिए आप ये रास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपको रेलवे लाइन दिख रही है, ये आपको गुवाहाटी तक जाती है। यार पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। 10 मिनट से ट्रक ही ट्रक मिल रहा है सिर्फ, और रोड भी ख़राब है ना, गड्ढा है ना रोड पे। देखा, हम कह दिए थे ना कि रोड अच्छा मिल रहा है, मिल गया खराब रोड, इसीलिए नहीं कहते हैं। भैया ब्रेकफास्ट हो जाएगा कुछ? चलो फिर ठीक है। अभी हम लोग रुके हैं धूपगुड़ी से थोड़ी दूर पहले चाय के लिए। तो यहाँ हम लोग रुके थे चाय बिस्किट के लिए। अभी हम लोग धूपगुड़ी में हैं और यहाँ से अलीपुर द्वार के लिए निकल रहे हैं हम। दोनों साइड लंबे लंबे पेड़, बीच में रोड, मौसम सही, और क्या चाहिए भाई। बाय द वे हम लोग पहुँचने वाले हैं फालाकाटा। यहाँ के जगह का नाम भी अजीब अजीब है यार। ये तो कुछ भी नहीं है अभी, तो आगे और भी अलग अलग नाम आएगा। 6-7 किलोमीटर से ये गंदा वाला पैच अभी तक चल ही रहा है, ये फालाकाटा तक चलेगा। बहुत खराब रोड है यार, गड्ढा उड्ढा है, सिर्फ गड्ढा ही है रोड पे। एक भैया बोले कि फालाकाटा तक ये रोड ऐसे ही रहेगा, फालाकाटा के बाद अच्छा हो जाएगा रोड। यहाँ आगे से हमें लेना है राइट टर्न अलीपुर द्वार के लिए। और यार पता नहीं गूगल हमें कहाँ लेके आ गया है, लेकिन पानी बहुत साफ है यार। ऐसे ही रोड पे चलाया जा रहा है बहुत टाइम से भाई। एक मस्त जगह मिला यार चलते चलते। काफ़ी सही है। हमारी बैग गिर गई थी यार, अभी तो आईना में दिखने लगा। अबे आईना में बैग थोड़ी दिखता है, पीछे है ये। तो बहुत देर से घसा रहा है अभी तो खा। चलो कोई दिक्कत लगाते हैं। सो गाइस वी आर एट अलीपुर द्वार। गूगल हमें कोई बाईपास लेके जा रहा है ताकि हमें शहर में इंटर ना करना पड़े और पूरा अलीपुर द्वार को हम लोग बाईपास कर दें। यार ये बोला तो कि बाईपास लेके जा रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ घुसा दिया है। हर जगह के टोटो वाले एक जैसे होते हैं, हर जगह के। सो अब फाइनली हम लोग मिलेंगे हाईवे पे। ये है मेन हाईवे, गुवाहाटी राइट, सिलीगुड़ी लेफ्ट। भागलपुर बिहार जा रहे हैं, तवांग अरुणाचल। अरुणाचल हाँ। सो ये है आपका मेन हाईवे। तो रोड के उस पार हमें एक ढाबा मिला है, बाबा रामदेव ढाबा। क्योंकि भूख बहुत जोर से लगा है भाई। बाबा रामदेव, चलो बाबा रामदेव के पास होके आते हैं। वो पूरा खाली है वे। हो जाएगा भैया खाना, कुछ हो जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं अपना लंच करने के लिए। 12:41 हो रहा है और हम लोग रुके हैं बाबा रामदेव होटल, शुद्ध शाकाहारी राजस्थानी ढाबा में। चपानी नाम है जगह का। और यहाँ पे कुछ ऐसा है सीन, पूरा खाली है और यहाँ पे वहाँ पूरा सामान बिखरा पड़ा है। कैसा लग रहा है अभी तक का राइड? बहुत मज़ा आ रहा है। पिछवाड़े का क्या हाल है? ठीक। ऑन कैमरा क्या बोलेंगे? दिखा दिखा दिखा। रोटी है, दाल फ्राई और पनीर वाला सब्जी। आ रहा बोला नहीं, भूख लग गया भाई। भूख तो लग गया यार। तो रोटी है, दाल फ्राई है, पनीर की सब्जी है, रोटी है। छोटू भी है। चलो फिर शुरू करते हैं खाना। ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ से हमारी जो मंजिल है, ऐसे मंजिल तो बहुत दूर है लेकिन ये टेम्प्रेरी मंजिल है जहाँ पे हमें और लोग ज्वाइन करेंगे। वो 370 किलोमीटर है और 7 घंटे 43 मिनट का राइड है और अभी दिन के 2 बज रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रक लगी हुई है, इसका मतलब यही है कि ये वेस्ट बंगाल और आसाम का बॉर्डर यहीं पे है। और यहाँ से आपका बांग्लादेश का ये बॉर्डर बहुत नज़दीक है। सो गाइस इस टोल के बाद आपका असम इंटर हो जाएंगे हम लोग और इसी टोल के बाद आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफिशियली हम लोग एंटर कर जाएंगे। अरे यार उधर से था बाइक का। भैया बाइक निकाल लूँ क्या? थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हो भाई असम। सो वी आर इन असम नाउ। 95.39। ओ भाई लेकिन अभी मेरे गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है सो हम लोग आगे लेंगे। बट यहाँ पे रेट देख के ऐसा लगा यार काफ़ी टाइम बाद हम लोग ये देख रहे हैं 95.39। वी आर एट बेशमुरी और यहाँ से भूटान जाते हैं लोग। बोंगाईगांव सीधा भूटान के लिए आपको इधर मुड़ना है, बस थोड़ा दूर जाके भूटान है। आपको रास्ते में ये बहुत बार ये नदी मिलेगी, ब्रह्मपुत्र रिवर। और अभी यहाँ से गुवाहाटी 170 किलोमीटर है। हम लोग गुवाहाटी नहीं जा, गुवाहाटी से बहुत पहले एक टर्न ले लेंगे जो सीधे तेजपुर में मिलेगा। और तेजपुर में हमारे दो राइड हमारा वेट कर रहे हैं, तो वहाँ तेजपुर से हम लोग मिलेंगे, उसके बाद वहाँ से आगे का तवांग का जर्नी शुरू करेंगे। टाइम टू रिफ्यूल, भैया फुल कर दो। हाँ भैया फुल। बाइकर वर्धन, BIKER VARDHAN। वीडियो देखिएगा, समझे? रेसलिंग वाला देखते हैं। रेसलिंग नहीं, इधर इधर बाइक से रेसलिंग चलता है। मोतिहारी जिला के है भैया। अब मोतिहारी से यहाँ आ गए हो, वहाँ पेट्रोल पंप नहीं है क्या? अरुणाचल में भी आपको बिहारी मिलेगा। अरे तब तो मजा आ जाएगा। 4:13 हो रहा है और अभी हम लोग मानिकपुर नाम का कोई जगह है, अननोन है पूरा, हमें नहीं पता कहाँ है। लेकिन पेट्रोल पंप वाले भैया बोले, जैसा कि आपने देखा कि वो मोतिहारी के हैं, तो हम लोग अभी उन्हीं से बात कर रहे थे। सो हमारा डिस्टेंस जो है, हमारा डिस्टेंस जहाँ हमें जाना है वो 239 किलोमीटर है तेजपुर यहाँ से। और गूगल आंटी बोल रही है 5 घंटा 6 मिनट लगातार राइड करेंगे तो हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। और अभी बज रहा है 4:15, मतलब कि 1 घंटा के अंदर ही सूरज भगवान एकदम नीचे आ ही चुके, एकदम लालिमा दिख रहा है। वो एकदम हमको लगता है आधे घंटे के अंदर डूब जाएंगे। और ये पूरा जो है पूरा अंधेरा हो जाएगा। अननोन जगह है, पहली बार आए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं रात को राइड करना। जहाँ पर अंधेरा हो जाए, जहाँ पर होटल मिलेगा वहाँ पर रुक जाएंगे। तो यही भैया हैं जो रहते हैं मोतिहारी में ना भैया? मोतिहारी जिला पड़ता है, मोतिहारी जिला पड़ता है, सुन रहे हो? तो भैया ये बता दीजिए, यहाँ से हम लोग को जाना है तेजपुर। तेजपुर यहाँ से आपको 300 किलोमीटर पड़ेगा। 370 किलोमीटर? नहीं 300 नहीं बता रहे हैं, 270 के आसपास होगा। 240 किलोमीटर है। तो हम बोल रहे कि यहाँ पे रहने का कहाँ मिलेगा, मतलब कि जहाँ पाठशाला में मिलेगा। पाठशाला में कितना दूर है पाठशाला? यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर पड़ेगा। चलो, वो हमारे मैनेजर साहब हैं, वो भी बिहार के हैं। अरे अरे भैया बिहार के हैं, आइए आइए इधर आइए। असम में 4 बिहारी मिल गए, और क्या चाहिए? 4 नहीं है, पूरा बिहारी आपको मिलेगा। पूरा बिहारी है, बिहारी पेट्रोल पंप है क्या हो? बिहारी कहाँ के हैं? बिहार के छपरा जिला, भागलपुर। ठीक है भैया, बाय। सो हम लोग डिसाइड किए हैं कि तेजपुर तो ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाएंगे, 240 किलोमीटर है यहाँ से। तो पाठशाला या फिर नालबारी रुकने का। पाठशाला बहुत बड़ा टाउन है असम का और वो हमारे रास्ते में है, तो हम लोग डिसाइड किए कि पाठशाला रुकने का। और फिर वहाँ पाठशाला से 4 घंटे का राइड है कल तेजपुर के लिए, तो कल वो भी कर लेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाठशाला। तो कल रात हम लोग यहीं पे रुके थे, जैसा कि हमने बताया था पेट्रोल पंप पे लास्ट आपको कि हम लोग यहीं पे रुकेंगे क्योंकि यही उसके बाद रहने लायक जगह है। तो हमें कुछ ऐसा होटल मिला है, तो हमें कुछ ये होटल मिला था, अराउंड 1200 रुपीज़ का ये होटल था। और वॉशरूम भी ठीक ठाक ही था। सो गाइज वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है तेजपुर। बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा माउंट करना है इसको। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइज, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो अगर आप चैनल पर नए हो और यहाँ तक देख, और अगर हल्का सा भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो से हम लोग तवांग का रियल जर्नी स्टार्ट करेंगे। कैसे आपको परमिट इशू होता है अरुणाचल प्रदेश एंटर करने के लिए, वो सब चीज़ आपको बताएँगे। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ से हम लोग भागलपुर तक साथ में राइड करेंगे क्योंकि वो सब हम लोग का प्री प्लान था। तो और गाइस, अगर आपने अभी तक बाइकर वर्धन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दो रीज़न है, अभी तो 5-6 वीडियो में मैं रहूँगा। मजाक कर रहा था भाई, मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। सोचो बिहार से लद्दाख, जब पहली बार हम इससे मिले थे मैंने यही कहा था कि भाई बहुत प्राउड हुआ ये सुन के कि भागलपुर से कोई बंदा BR01 की बाइक लेकर लद्दाख गया है। तो भाई प्लीज़, सॉरी BR10 भाई मेरे मुँह से निकल गए, BR10 की बाइक लेकर लद्दाख गया, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ये 500 रुपया भी दे देंगे। थैंक यू यार।